है आपका मेजर कॉमर्स गुरुजी पर, और वीडियो आपके लिए काफ़ी राहत वाली है, आपको थोड़ी तसल्ली देने के लिए आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी वीडियो देखते हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 22 जून है, और मोस्टली जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो NDTV हो, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो NDTV के पूरा डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जी, मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट्स का सफाया। दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400400400, जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज डाउनलोड करिए डाउटनट ऐप। थैंक यू। यही कहना है कि आज CBSE जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो आज अनाउंस कर सकते हैं एग्जाम के बारे में, कैंसिलेशन के बारे में, या शेड्यूल या जैसा भी है। लेकिन अभी की प्रेजेंटली की जो अपडेट है वो मैं बता रहा हूँ। जो हमारे जी न्यूज़ और NDTV का कहना है कि जो मीटिंग है वो अभी चल रही है, जितने भी हमारे यूनिटरी मिनिशन जो हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब आपस में बात कर रहे हैं, और करीब 2 बजे से ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, और अभी लास्ट 3:20 का स्टेटस था कि अभी मीटिंग चल रही है। तो हो सकता है अब आपका आज क्लियर हो जाए, आज बता दिया जाए आपका कि आपके पेपर में क्या होने के चांसेस हैं। जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो ये निकल के आ रही है कि CBSE की बेंच पर 3 ऑप्शंस हैं जो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के सामने रखे हैं कि हम ये कर सकते हैं। एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर तक जाए ये तो होना ही नहीं है शायद, मैं नहीं मानता कि ये होगा। हाँ, पेपर कैंसिल होके 2 चांसेस हैं कि या तो आपको एवरेज मार्क्स अवॉर्ड किए जाएं, और या आपका इंटरनल असेसमेंट या फिर यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम पर किया जाए। दोनों को समझना। सबसे पहली बात एवरेज सिस्टम। एवरेज सिस्टम पर क्या होगा बेटा, जितने भी आपके टॉप 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कि जिन 4 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे, उनके एवरेज के हिसाब से मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे जो पेपर आपके कैंसिल होंगे। और अगर यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम लगता है तो यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार आपका जो स्कूल में एक जो प्रोजेक्ट वर्क था, जो आपके टेस्ट थे, फॉर एग्जांपल जो प्रैक्टिकल आपके होते हैं 20 से 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहीं पर 100 नंबर का बेस मांग के आपको अवॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल में 20 में से 16 थे, इसी को बेस मानते हुए 16x5 कर दिया जाए 100 से। अब बच्चे कहेंगे सर हमारा बोर्ड खराब थे। आपको एक बात मालूम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। तो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हर चैनल यही कह रहा है कि शायद आज लाइकली अनाउंस हो जाए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसीजन CBSE को रखना है कि वो क्या करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपके हक में ही सारा फैसला आने वाला है, जहाँ तक 90% चांस यही लग रहा है। और आप सभी से एक उम्मीद, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बेटा हाँ, CA CS CMA की जो क्लासेस हैं वो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है उन्होंने क्लास आज से ज्वाइन कर ली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी CA CS CMA फाउंडेशन की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो वो प्लीज़ आज से कर लीजिएगा। क्लास 11 क्लास 12 की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, बहुत से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बेनिफिशियल कोर्सेज मैंने बताए थे, GST कोर्स और स्टॉक मार्केट, वो भी स्टॉक मार्केट भी आज से स्टार्ट हो चुका है। GST तो हमारा 1 जून से चल ही रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी उसमें भी समझाया था, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए ताकि आप बेनिफिट्स उठा सकें।